कहो भला तुमको जंगलों और दरियाओं के अंधेरों से कौन निकाल लाता है, जबकि तुम उसे आजिजी से और चुपके चुपके पुकारते हो और कहते हो अगर अल्लाह हमको इस तंगी से नजात बख्शे तो हम उसके बहुत शुक्रगुजार हों। कहो कि अल्लाह ही तुमको उस तंगी से और हर सख्ती से नजात बख्शता है, फिर भी तुम उसके साथ शिर्क करते हो। कह दो कि वो इस पर भी कुदरत रखता है कि तुम पर ऊपर की तरफ से या तुम्हारे पांव के नीचे से अजाब भेजे या तुम्हें फिरका फिरका कर दे और एक को दूसरे से भिड़ाकर आपस की लड़ाई का मजा चखा दे। देखो हम अपनी आयतों को किस किस तरह बयान करते हैं ताकि ये लोग समझें, और इस कुरान को तुम्हारी कौम ने झुटलाया हालांकि ये सरासर हक है। कह दो कि मैं तुम्हारा दारोगा नहीं हूं, हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है और तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा। और जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो हमारी आयतों के बारे में बेहुदा बकवास कर रहे हों तो उनसे अलग हो जाओ यहां तक कि वो और बातों में मसरूफ हो जाएं। और अगर ये बात शैतान तुम्हें भुला दे तो याद आने पर जालिम लोगों के साथ न बैठे रहो, और परहेजगारों पर उन लोगों के हिसाब की कुछ भी जवाबदेही नहीं, हां नसीहत ताकि वो भी परहेजगार हों।